असलम सेवन क्लास टूडे इज़ आवर लेक्चर नंबर नाइनटीन ऑफ मैथमेटिक्स यूनिट नंबर सिक्सटीन क्वाड्रोलेट्रल्स ओके क्लास यूनिट नंबर सिक्सटीन के एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम इसकी डेफिनेशन को लर्न करते हैं ठीक हमारे पास फर्स्ट एल डेफिनेशन है क्वाड्रोलेट्रल की ही अ क्वाड्रोलेट्रल इज़ अ क्लोज्ड फोर्थ साइडेड प्लेन फिगर ठीक क्वाड्रोलेट्रल हमारे पास क्या है ऐसी फिगर जिसकी फोर साइड्स हों और वो फिगर हमारे पास क्लोज होनी चाहिए यानी कि उसमें कहीं पर भी गैप नहीं होना चाहिए ठीक है फोर साइडेड फिगर को हम क्या बोलेंगे क्लोज्ड फोर साइडेड फिगर को क्वाड्रा ठीक उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डायग्नल की अ डायग्नल इज़ अ क्वाड्रिलेटरल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज़ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ऑफ इट्स टू अपोजिट पेयर्स ऑफ वर्टिसेस अब डाइगनल हमारे पास क्या है वो वाला लाइन सेगमेंट है जो इसके ओपोजिट वर्टिसिस को ज्वाइन करने से आता है हमारे पास ठीक है वो वाला लाइन सेगमेंट है जैसे ए और सी एक दूसरे के ओपोजिट है ठीक है इनको ज्वाइन करने के लिए हमारे पास ये हमारे पास ये डायगनल है ये लाइन सेगमेंट डायगनल है और बी और डी एक दूसरे का ऑपोजिट है तो इन दोनों को जिस लाइन सेगमेंट में लाइन सेगमेंट ने ज्वाइन किया है वो हमारे पास क्या है डाइगनल नाउ टाइप्स ऑफ ड्रा क्वाड्रिलेट्रल है हमारे पास फर्स्टली हम उसकी थ्री डाइग्राम देखते हैं ठीक है क्वाड्रिलेट्रल हमारे पास कितने टाइम्स के कितने टाइप्स के हैं पैरालोग्राम और नॉन पैर लोग्राम टू टाइप्स के ठीक आप पैरालोग्राम और नॉन पैर ललोग्राम क्वाड्रिलेटर फर्दर डिवाइड हो जाते हैं ठीक पैरलेलोग्राम हमारे पास कौन से होते हैं रेक्टेंगल स्क्वेयर एंड रोम्बस और नॉन पैर लालोग्राम हमारे पास होते हैं ट्रेपिजियम एंड काइट ठीक है और जिनमें ट्रेपिजियम फर्दर डिवाइड हो जाता है आइसोसेलस ट्रेपिजियम में ठीक अब इन टाइप्स को डिटेल में पढ़ते हैं ठीक फर्स्टली हमारे पास क्या है पैरलेलोग्राम के डेफिनेशन अ पैरलेलोग्राम इज़ अ क्वाड्रिलेटरल इन विच दी ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल ठीक है पैरलेलोग्राम ऐसा ट्राइंगल है जिसकी ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और उनकी वो इक्वल होती हैं ठीक है ये ओपोजिट साइड एक दूसरे के पैरल है मीन्स के उसके उन ओपोजिट साइड्स के तमाम पॉइंट्स के दरम्यान में डिस्टेंस एक जितना होता है लेट सपोज़ यहाँ से यहाँ तक अगर डिस्टेंस फाइव सेंटीमीटर है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक भी फाइव सेंटीमीटर ही होगा ठीक है तो वो पैरल हो गई और उनकी लेंथ भी एक दूसरे के जितनी होती है ठीक है एक जितनी होती है ओपोजिट साइड्स क्या होंगी पैरल होंगी और इक्वल होंगी नेक्स्ट क्या है हमारे पास रोमबस आ रोमबस इज़ आ पैरालोग्राम इन विच आल फोर साइड्स आर इक्वल ऐसा पैरलेलोग्राम जिसकी फोर साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं ठीक अब यहाँ पर रोमबस हमारे पास पैरा लालोग्राम है ऐसा पैरा लालोग्राम इट्स मीन वो पैराल्राम है तो वो पैर उसकी साइड्स एक दूसरे के पैरालल भी होंगी ठीक पैरल भी होंगी और साइड्स क्या होंगी इक्वल भी होंगी नेक्स्ट क्या है रेक्टेंगल अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल एंगल्स आर राइट एंगल जिसके तमाम एंगल्स को क्या होंगे राइट right. यहाँ पर भी एंगल 90 राइट होगा यहाँ पर भी राइट होगा इधर भी राइट राइट ठीक है तमाम एंगल्स क्या होंगे 90 डिग्री के होंगे ठीक है अब रेक्टेंगल हमारे पास पैरेललोग्राम की टाइप है इट्स मीन इसकी भी ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी और इक्वल भी होंगी ठीक है पैरेलल और इक्वल होने के साथ साथ फर्दर क्या है वो उसके तमाम एंगल्स क्या होंगे 90 डिग्री के होंगे ठीक नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वेयर अ स्क्वेर इज़ अ रेक्टेंगल विद फोर इक्वल साइड्स वो वाला रेक्टेंगल जिसकी फोर साइड्स इक्वल होंगे उसको क्या बोलेंगे हम स्क्र अब रेक्टेंगल की है ये स्क्वेयर टाइप इट्स मीन इसके तमाम एंगल्स भी क्या होंगे 90 डिग्री के होंगे ठीक है तमाम एंगल्स 90 डिग्री के होंगे और फोर साइड्स क्या होंगी इक्वल होंगी ठीक अब नेक्स्ट है हमारे पास नॉन पैरलोग्राम क्वाड्रिलेटरल ठीक है फर्स्टली लिया हमारे पास ट्रेपिजियम अ ट्रेपिजियम इज़ अ क्वाड्रिलेटरल विथ टू एंड ओनली टू पैरलेल साइड्स ठीक है ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी जस्ट टू साइड्स के होंगे एक दूसरे के पैरलेल होंगी जैसे ये वाली साइड इस साइड के सामने है तो इसके पैरलेल है ठीक है और ये देखो ये दोनों साइड्स एक दूसरे के डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही हैं ना इट्स मीन ये दोनों साइड्स एक दूसरे के पैरेलल नहीं हैं नेक्स्ट है हमारे पास आइसोसैलिस ट्रेपिजियम इज़ अ ट्रेपिजियम इन विच द नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल इसमें क्या होगा नॉन पैरेलल साइड्स ठीक है ये वाली ये वाली साइड और ये वाली साइड ये नॉन पैरेलल है ना ये डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही हैं वो कह रहे हैं कि वो दोनों इक्वल होंगी मीन्स कि उनकी लेंथ इक्वल होगी ठीक नेक्स्ट है हमारे पास काइट की

और इक्वल यानी कि ओपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरल नहीं हैं ठीक नौ पेज वन नाइनटी एट पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है द सम ऑफ एंगल्स ऑफ इज थ्री सिक्सटी डिग्री ठीक है उसके तमाम एंगल्स को जब सम करें तो हमारे पास आंसर आता है थ्री सिक्सटी डिग्री जैसे हमारे पास ट्रायंगल के तमाम एंगल्स को सम करें तो वन एटी डिग्री आंसर आता है ना इसी तरह से क्वाड्रिलेटरल्स के भी तमाम एंगल्स को सम करें तो आंसर आता है हमारे पास थ्री सिक्सटी डिग्री नाउ क्लास पेज टू हंड्रेड पे प्रॉपर्टीज गिवन है पैरालोग्राम की इनको लर्न करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है दी ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरालोग्राम आर इक्वल ओपोजिट एंगल्स जो होते हैं पैरालोग्राम में यानी कि ये कंप्लीट एंगल यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक कि कम्प्लीट एंगल जो क्या होगा हमारे पास इक्वल होंगे ठीक है ये अगर पैरालालोग्राम है तो यहाँ से ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा ठीक है और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा ठीक है ओपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं नेक्स्ट क्या है द पेयर ऑफ एडजस्ट एंगल्स ऑफ अ पैरलोग्राम आर सप्लीमेंट्री अब कह रहे हैं कि जो एंगल्स एक दूसरे के साथ साथ हैं ठीक है उन दोनों का वो पेयर ऑफ एडजस्ट एंगल्स क्या है सप्लीमेंट्री यानी कि ये वाले एंगल को और ये वाले एंगल्स को ऑपोजिट एडजस्टेड एंगल्स को ये जो एक दूसरे के साथ साथ एंगल्स होंगे उनको सम करेंगे तो हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल बनेगा यानी कि 180 डिग्री आंसर आएगा सप्लीमेंट्री एंगल वो वाले एंगल होते हैं ना जो वन दो एडजस्ट एंगल्स ऐसे एडजस्टेड एंगल जिनको सम करें और आंसर हमारे पास वन डिग्री हो तो वो क्या होते हैं सप्लीमेंट्री ठीक यहाँ पर छोटा सा ऊपर डिग्री का साइन लगाएंगे और नेक्स्ट क्या है ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है ठीक नेक्स्ट क्या है द टू डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाई ईच अदर इस पॉइंट का क्या मतलब है कि हमारे पास जो इसका डायगोनल होगा ये यहाँ से यहाँ तक एक डायगोनल होगा ऑपोजिट वर्टिसेस को जॉइन ज्वाइंट करने से डायगोनल बनता है ना ठीक है डाइगनल्स क्या करते हैं एक दूसरे को बायसेकट करते हैं यानी कि ये वाले डाइगनल ने ये वाला एक डायगनल है हमारे पास तो इस डायगनल ने क्या किया इसको बायसेकट किया मतलब कि इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया जितनी लेंथ यहाँ पर है उतनी ही लेंथ यहाँ पर है और अगर हमारे पास ये एक डायगनल है तो ये वाले डाइग्नल ने इसको बायसेकट किया इक्वल हाफ में डिवाइड किया जितनी लेंथ यहाँ पर है उतनी ही लेंथ यहाँ पर है ठीक नेक्स्ट क्या है द डायग्नल डिवाइड्स अ पैरेलोग्राम इंटू टू कॉन्ग्रंट ट्राइंगल उसको टू कांग्रेन ट्राइंगल में डिवाइड कर देता है ये वाला डायग्नल अगर ड्रा हुआ है तो एक हमारे पास ट्राइंगल ये आ जाएगी ठीक है लेट्स लेट्सपोज अगर हमारे पास एक पैरेलोग्राम है ठीक तो उसके डाइग्नल ने क्या किया उसको दो कॉन्ग्रंट ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया है नाउ एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन हमारे पास है फ्लिन द ब्लैक्स पार्ट वन है हमारे पास फिल्म द ब्लैंक नंबर वन है द डैश ऑफ अ क्वारेटरल ज्वाइन टू नॉन कन्जक्टिव वर्टिसेस ठीक है कन्जक्टिव का क्या मतलब होता है एक दूसरे के साथ साथ और नॉन कन्जक्टिव वर्टिसेस कौन से होंगे जो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन वाले वर्टिसेस को क्या ज्वाइन करता है डाइगनल नेक्स्ट हमारे पास क्या है द सम ऑफ एंगल्स इन अ क्वारेटरल इज थ्री सिक्सटी डिग्री दी ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ काट आर नॉट पैरेल ये अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा है नेक्स्ट क्या है द ओपोजिट एंगल्स इन अ पैरलेलोग्राम आर इक्वल ठीक ये हमने अभी प्रॉपर्टी में पढ़ा है इन अ रोम्बस आल साइड्स आर इक्वल नेक्स्ट हमारे पास है ट्रू फॉल्स हमारे पास वन है अट्रेपाइड इज अ पैरलेलोग्राम फॉल्स ये हमारे पास नॉन पैरलेलोग्राम है नेक्स्ट हमारे पास क्या है द देयर्स ऑफ अर एंगल्स इन अ पेरेलेग्राम इज आर सप्लीमेंट्री ट्रू यह अभी प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा सप्लीमेंट्री होता है अ रोम्बस इज अ टाइप ऑफ पैरलेलोग्राम ट्रू डेफिनेशन भी हमने अभी यही पढ़ी है आल पैरालेलोग्राम्स आर क्वाड्रिलेटरल्स ट्रू क्वाड पैरालोग्राम वो वाली uh, होती हैं ना फिगर्स हमारे पास जो फोर साइडेड होती हैं ठीक है तो क्वाड्रिलेटरल भी फोर साइडेड होती है आल पैरेलोग्राम आर क्वाड्रिलेटरल इनर रेक्टेंगल आल द साइड्स आर आर ऑफ़ ऑफ़ इक्वल लेंथ फॉल्स उसमें ओपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं ठीक ओके क्लास आज हमने क्या किया है एक्सरसाइज नंबर सिक्सटीन का क्वेश्चन नंबर वन एंड टू या बुक पे सॉल्व करेंगे इसकी ऑब्जेक्टिव और डेफिनेशनस को आपने अच्छे से लर्न करना है और डोजिंग टेबल ऑफ एटीन लर्न करना है ओके बेस्ट ऑफ लक